नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 12 जनवरी 2023, वीरवार, और व्याख्यान नंबर 155। चैनल का नाम स्वस्थ समृद्ध परिवार। प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। इस नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर। आप जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, वहां पर व्याख्यान मिल जाएंगे आपको वैद्य जी के, वैद्य सत्यवन नायक जी के। वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और आज अपान वायु जो पूरी श्रृंखला चल रही है उसका भाग 11 के ऊपर बात करेंगे कि स्त्रियों के अपान वायु विकृत होने पर विभिन्न कल्पना से चिकित्सा कैसे होगी, इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालेंगे वैद्य जी। तो वैद्य जी का और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। वंदे मातरम। वैद्य जी आप कृपया शुरू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं वैद्य सत्यवान नायक ब्रह्मपुर गंजाम उड़ीसा से आप सबका इस मंच पर स्वागत करता हूँ सत्र में। और भगवान धन्वंतरी जी को अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, क्योंकि अभी चारों ओर देखें केवल मतलब वायु ही वायु है और व्यायाम के ऊपर अभी हमारा चर्चा चल रहा है, तो इसलिए हमने वायु के ऊपर ही मतलब कुछ सूत्र मतलब निकाले हैं आयुर्वेद के। तो सूत्र ये है कि वायु जातः स्वयं ब्रह्मा, वायु जातः स वै हरिः, वायु जातो महादेवः, सर्वं वायुमयं जगत्। इसका अर्थ ये है कि जो सारी जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, पालनहार भगवान स्वयं श्रीहरि विष्णु और संहारकर्ता भगवान देवता देवताओं के देवता जो अधिपति है वो महादेव जी है, ये सभी का जो प्राकट्य है ये वायु से हुआ है ऐसा कहा जाता है। और इसके आप देखेंगे तो ऐसा कहा गया वायु जाए तो स्वयं ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा जी यदि वो स्वयंभू भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो कि सनातन धर्म में या तो वेदों में पुराणों में संहिताओं में जो भी कहा है ये त्रिदेव है, त्रिमूर्ति है, या ऐसा कहा है कि ये त्रिशक्ति है, तो जो भी है सृष्टि का ये तीनों देव है, त्रिनाथ इनको कहा जाता है। तो ये जो तीनों देव हैं ये अपने आप को स्वयं प्रकट किए हैं ऐसा कहा जाता है, और जब सृष्टि की मतलब बारी आती है तो ये प्रकट करते हैं, इसीलिए ये तीनों को स्वयंभू कहा गया है। परंतु ये स्वयंभू होते हैं तो इनका कोई आधार तो होता है, तो ये जो आधार है वो वायु है ऐसा कहा जाता है। इसीलिए वायु ही सारे संसार में, वायु ही मतलब सर्वविदित है ऐसा कहा जाता है। इसलिए यदि आपने वायु को समन कर लिया, यदि वायु को ही आपने अपने वश में कर लिया या तो फिर वायु को अपने अधीन कर लिया तो फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका ये आयुर्वेद में ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो जो भी है अभी हम एक 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 सिद्ध योगों के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। कल हमने पेट दर्द के विषय में बहुत कुछ मतलब चर्चा किए थे। अभी मतलब आजकल देखेंगे पेट दर्द मतलब दर्द तो ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि उल्टी भी होने लगती है किसी किसी को, तो मतलब यात्रा के समय में बहुत ज्यादा उल्टी भी मतलब होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं उसका कुछ मतलब योग आपको, सिद्ध योग जो है आपको सब आप सबके सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है आपका घर में जो दिया जलता है, तो दिवाली को दिया जलाते होंगे, दिया दिवाली को ही नहीं आपको मतलब प्रतिदिन अपने घर में दिया तो जलाना ही चाहिए ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दिया जलाते हैं उस दिए को यदि आपने जो तेल उसमें बचा हो, तेल घी जो भी मतलब बचा हो, उस दिए को यदि आपने क्या किया उसको आग पर मतलब उसको मतलब बिठाई है मतलब आग के ऊपर उसको जलाइए, अग्नि मतलब आग में डाल दीजिए तो बहुत मतलब जलता रहेगा। और जलने के बाद में जब वो पूरी तरह से लाल लाल आपको दिखने लगे तो उस समय आपको क्या करना है कि उसको निकालिए और निकाल करके उसको तुरंत मतलब पानी में डाल दीजिए, किसी एक गिलास पानी या तो किसी तपली में मतलब रखिए उसको और उसको पानी में डाल दीजिए। और वो पानी जब मतलब ठंडा हो जाए तो उसको फिर मतलब कि उसको पानी को जब मतलब ठंडा हो जाए तो उसको छान करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। तो केवल एक ही बार करेंगे तो ये एक ही बार से ही जो है ये जो उल्टी बमन वो रुक जाती है। ठीक उसी तरह कोई लोहा लीजिए, एकदम मतलब साफ सुथरा लोहा हो तो उसको लीजिएगा, लोहे को, और लोहे को लीजिए, लेकर के उसको भी ऐसे ही गर्म करिए, बहुत जोर जोर से उसको गर्म करिए, और इतना जोर से गर्म करिए कि पूरा लाल लाल पूरा दिखने लगे लोहा, जैसे लोहार करते हैं ना अपने कोई भी मतलब लोहे का कोई हथियार औजार जब बनाते हैं तो उसको धार बनाने के लिए वो लाल लाल गर्म करते हैं,
तो आप उसको भी मतलब लाल लाल गर्म करिए, लाल होने तक, जैसे ही लाल हो जाए तो उसको क्या करिए, फिर पानी में बुझा दीजिए, ठंडे मतलब किसी पानी में पास में रखा हुआ पानी के, चाहे तपली में हो या तो कोई लोटे में हो, उसमें डाल दीजिए, ठंडा हो जाएगा, वो लोहे को फिर से गर्म करिए, फिर से उसमें जैसे ही लाल लाल हो जाए तो उसको फिर पानी में डाल दीजिए, फिर से उसको निकालिए, फिर से उसको गर्म करिए, लाल हो जाए तो पानी में डाल दीजिए, ऐसा गिन गिन करके 21 बार करना है। और 21 बार जब मतलब उसको करने के बाद में, जब वो मतलब आप हर बार डालेंगे तो पानी गर्म होता रहेगा, तो पानी जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, अपनी साम्य अवस्था प्रकृत अवस्था में आ जाए, उसको छान करके सफेद रंग के कपड़े से उसको पिला दीजिए, एक ही बार में ही ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से वो ठीक हो जाते हैं। यदि आपके आसपास यदि मतलब कोई गौशाला है, और वो गौशाला का जो गोमय, जो गोबर होता है, गोबर का यदि कंडा आपको मिल जाए तो उसको ला करके भस्म कर दीजिए, उसको सामने जला करके, और वही जो भस्म होगा वो भस्म भी यदि मतलब आपने मधु के साथ में चटा देते हैं तो वो भी उससे भी उल्टी जो है वो पूरी तरह से ठीक से मतलब पूरा बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह मोर का जो पंख होता है, जिसको मयूर चंद्रिका भस्म के नाम से जाना जाता है, आपको हर कोई दुकान पे, आपको आयुर्वेदिक औषधि दुकान में भी मिल जाएगी मयूर चंद्रिका भस्म करके, बना बनाया वहां भी रेडीमेड भी आपको मिल जाती है, तो उसको लेके आइए, और 1 ग्राम की मात्रा में उसको मधु में मिला करके, 1 चम्मच या आधा चम्मच मधु में मिला करके चटा दीजिए, या तो फिर आपको घर में कुछ भी नहीं है तो आप ऐसा करिए, नींबू लेके आइए, 2 टुकड़े मतलब उसका कर दीजिए नींबू को, और एक एक टुकड़ों में मतलब जो ये जो हमारा बूरा होता है, बूरा या तो मिश्री, उसमें पाउडर करके चूर्ण करके उसके ऊपर थोड़ा मतलब ऐसा छिड़क दीजिए, बुरक दीजिए, और उसको धीरे धीरे क्या करिए, उसको चाट लीजिए, उसका यदि चाटते चाटेंगे जैसे हम गन्ना चूसते हैं उस तरह यदि चूसेंगे चॉकलेट की तरह, तो धीरे धीरे जो है उल्टी उससे भी मतलब रुक जाती है। ठीक उसी तरह यदि किसी से भी यदि नहीं रुकती है तो ये आपको मतलब ध्यान रखना है कि ये जो होता है ना कागज, आपके घर में होगा कुछ भी औषधि मतलब नहीं है तो आपके घर में कागज तो होगा, तो कागज मतलब लेके आइए, तो उसको जला दिए, जला डालिए, या तो फिर तंबाकू होगा, या तो फिर बीड़ी होगा, सिगरेट होगा, या तो गांजा मतलब गांजे का पत्ता होगा, या तो फिर आपके घर में मतलब आपके आसपास मतलब जिसने जितने सारे जो मतलब पेड़ पौधे जिसमें कसाई रस ज्यादा हो, जैसे पीपल का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, जामुन का पत्ता हो, अमरूद का पत्ता हो, ये कोई ना कोई तो पत्ता होगा, तो उसको मतलब क्या करिए, जला डालिए, थोड़ा सूखा हुआ पत्ता मिलेगा ना, उससे भी यदि सेहत के साथ में उसकी राख दे दे देते हैं तो उससे भी जो है उल्टी तुरंत रुक जाती है। ये आपको मतलब ये 100% परिणाम है, लाभ मिलता है इसके लिए, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा सिद्ध योग, अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा कल का कुछ आधा रह गया था। कल हमने केवल एक ही कल्प के ऊपर चर्चा किया था, अभी हम लगभग 10 और कल्पों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में 11 प्रकार की मतलब कल्पना बताई गई है स्त्रियों के अपान वायु को ठीक करने के लिए। तो आज जो हमारा चर्चा करेंगे, हम सबसे पहले चूर्ण कल्पना से आरंभ करते हैं, क्योंकि कषाय कल्प चूर्ण कल्प है ना, ये हर कोई आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम चूर्ण कल्प से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है अश्वगंधा आदि चूर्ण है, तो अश्वगंधा तो आपको मालूम है वो वायु का शमन करता है, अपन सभी प्रकार के वायु को शमन करता है वो, तो अपन वायु भी हमारा मतलब कमर से लेकर के पूरे नीचे पैर तक अपन वायु का मतलब क्षेत्र ऐसा कहा जाता है, वायु का क्षेत्र होता है, तो अपन वायु जब विकृत हो जाता है तो हमारे कमर में दर्द, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे पैरों में दर्द सब होता है, तो अश्वगंधा, मेथी, सतावर, सोंड ये मिला करके हम सेवन करते हैं तो पूरी तरह से हमारा वायु वात रोग जो है वो ठीक हो जाता है, और आप लोगों ने इसका अनुभव भी किया है और प्रचार प्रसार भी किया है। तो ठीक उसी तरह अश्वगंधा आदि चूर्ण है, उसका यदि हम सेवन सेवन करते हैं तो भी हमारा अपन वायु स्त्रियों का ठीक हो जाता है, और ये तब देना चाहिए जब स्त्रियों का कमर में दर्द रहता हो अपन वायु के विकृति के कारण। ठीक उसी तरह जब मतलब अधिक मात्रा में उनको रक्तस्राव होता हो, मैं मतलब पीरियड के समय, मासिक धर्म के समय, और उनका अपान वायु इतना बिगड़ता हो कि उनको पेट फूला हुआ आपको उनको लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कपित्थादि चूर्ण है, काकजंघादि चूर्ण है, और उसके उसके साथ में यदि उनका अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया और उनका हेमोग्लोबिन डाउन हो गया मतलब कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में उनको काशीसादि चूर्ण यदि सेवन कराते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह यदि कोई स्त्री मतलब गर्भवती है, उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या तो 5 महीना, 6 महीना ऐसा हुआ है, तो किसी किसी को देखेंगे कि वो गर्भवती है परंतु उनको फिर मतलब रक्तस्राव होने लगता है, तो किसी किसी को बड़ा भय होने लगता है कि हमारा कोई संतान नहीं है, या तो पिछली बार हमारा ऐसा हो गया था
अब की बार फिर ऐसा होगा तो फिर क्या, वो आस छोड़ देते हैं, फिर मतलब उनके भगवान के ऊपर से भरोसा भी उठ जाता है, वो एकदम मतलब रोते बिलखते रह जाते हैं, एकदम दुखी मन हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई मतलब रोगी है एकदम मतलब निराश हताश, मतलब करोड़ों की संपत्ति है भाई बंधु सब है, परंतु चेहरे में खुशी नहीं है, हृदय में कोई खुशी नहीं है, वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और कोई भी मतलब उनका जो विवाह जो दिन होता है वो भी वो पालन नहीं करते, जबकि जो करोड़पति लोग होते हैं धनी लोग होते हैं अपना एनिवर्सरी मतलब वो पालन करते हैं, मतलब विवाहित दिन पालन करते हैं, बर्थडे का भी पालन करते हैं, बड़े धूमधाम से पालन करते हैं, परंतु उनको कोई संतान नहीं है, ना कोई लड़का है ना लड़की है, मतलब हर बार उनका दूसरे महीने में कभी तीसरे महीने में, और वो IVF भी कराए तो उसमें भी उनको मतलब सफलता नहीं मिली, असफलता ही उनके हाथ लगी। तो विवाह को कभी कभी 14 साल 18 साल 20 साल भी हो जाते हैं तो भी वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या करें हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, वो मतलब कोई कोई इतना दुखी हो जाता है कि रोते रहते हैं, मतलब कोई तो मतलब कोई कोई स्त्री मतलब अपने पति को सामने भी इतना रोते हैं, मतलब मैंने देखा है मेरे सामने पति पत्नी बहुत दूर रोते हैं कि हमको कोई संतान नहीं है, क्या हम ऐसे ही जीवन जिएंगे, क्या हमारे मतलब भगवान नहीं है, क्या हमारा दुख नहीं सुनाते, ऐसा वो मतलब विभिन्न प्रकार से बोलते हैं, तो आंख भी मतलब कभी कभी भर आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या मतलब औषधियां है मैं आप लोगों को मतलब बताने जा रहा हूँ। एक औषधि है और ये अपान में विकृत होने के कारण यदि मतलब हुआ हो, और ये कैसे पता चले आप देखेंगे, उनका सारा का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा परंतु उनका फिर भी गर्भ मतलब धारण नहीं हो पाएगा। तो इसको समझना चाहिए कि यहाँ पे अपान वायु विकृत हुआ है, क्योंकि अपान वायु उसको गर्भ धारण करने ही नहीं दे रही है, क्योंकि अपान वायु विकृत हुआ है और ये बात हमको समझना है। तो अपान वायु को ठीक कर देंगे तो उसका गर्भ धारण हो जाएगा, तो अपान वायु को ठीक करने से गर्भ धारण हो जाएगा तो इसके लिए क्या क्या औषधियां है। तो सबसे पहला जो औषधि है उसमें ऐसा है कि गर्भस्तंभन योगा, ये चूर्ण के रूप में आती है, मैं केवल नाम ही कुछ बता दे रहा हूँ, आपको यदि इसका मतलब घटक चाहिए तो मुझे संदेश मतलब भेजेंगे तो मैं उसका पूरी घटक भी बता दूंगा। तो सबसे पहला औषधि है गर्भस्तंभन योगा, और ये गर्भस्तंभन योगा 14 प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है, गर्भस्तंभन योगा प्रथम, गर्भस्तंभन योगा द्वितीय, गर्भस्तंभन योगा तृतीय, ऐसा करके 14 प्रकार के गर्भस्तंभन योगा है। तो ये 14 में से आप किसी एक का भी मतलब पकड़ लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। कभी कभी अपन में वो इतना, आज की बात है, आज पति पत्नी दोनों मिलकर के आए और पत्नी को 7वां महीना चल रहा है और उनके पूरे शरीर में से दुर्गंध निकल रहा है, तो ये पति पत्नी मतलब दोनों बोले कि मेरे शरीर से पता नहीं ऐसा मछली जैसा दुर्गंध क्यों निकलता है। मैं बोला अच्छा ये कब से निकल रहा है, बोले कि जब से मतलब मुझे मासिक धर्म आया तब से ये मेरे शरीर में से दुर्गंध निकलता है, इतना मुझे पता है, और मेरे घर में भी मेरे माता जी ने पिताजी ने बड़े भैया ने और मेरे चाचा चाची नाना नानी सब ने कहा कि जब से तुझे मासिक धर्म आया तेरे शरीर में से दुर्गंध मतलब आ रहा है, पूरे शरीर में से दुर्गंध आ रहा है, और ऐसा नहीं कि केवल मासिक धर्म के दरमियान आ रहा है, पूरा मतलब सालों साल पूरा हर मतलब प्रत्येक दिन आता है। तो वो थोड़े मतलब दुखी रहते थे, वो परफ्यूम का आसरा लेते थे, परफ्यूम और वो अतर वो सब वगैरह वगैरह करते थे, डिओ क्या क्या है वो सब करते थे, फिर भी कुछ ना कुछ दुर्गंध उनके शरीर में से आ ही जाता था। कपड़े पहनते थे तो कपड़े पहनने के 10 मिनट के बाद में वो कपड़े उनके दुर्गंध से भरे रहते थे, मतलब इतना दुर्गंध आता था। तो फिर उसके मतलब ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, वो बहुत सारे मतलब उन्होंने औषधियां भी प्रयोग कराया था, यहाँ तक कि वसंत कुसुमाकर रस भी उन्होंने 3 दिन साल तक उन्होंने सेवन किया था, फिर भी उनके शरीर में से जो दुर्गंध है वो दुर्गंध दूर नहीं हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि आयुर्वेद में इसका योग है, मैं आपको बता देता हूँ, आप पंसारी के वहां से ला करके आप उनको सेवन करो। तो मैंने उनको योग भी बता दिया था, 3-4 योग, तो मैं वो तो योग भी बता दूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं है मुझे छुपा करके क्या मिलेगा, परंतु इतना समय नहीं कि आज एक ही दिन में सब मतलब मैं योग बता सकूं, इसलिए मैं उनका नाम दे रहा हूँ, जिसको नाम किसी औषधियों का घटक चाहिए तो मुझे बता देंगे तो बता दूंगा। तो एक औषधि है गुह्य दुर्गंध नाशक योगा, ये वैजी आवाज चलेगी। अभी आप प्रयोग करेंगे तो आपको उसमें परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका मैं, वैजी नेटवर्क इशू हो रहा है। आवाज नहीं आ पा रही आपकी।
हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। जो आपने सबसे पहले दवाई बताई थी ना, हेलो, वंदे मातरम। हाँ, जी, आ रही है। वंदे मातरम। मेरी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वंदे मातरम, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी जी सुन पा रहे। हाँ हेलो, क्या हुआ? ब्रज जी, जो आपकी है, आवाज आ रही है। वो बात कर रहा है। अभी अभी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? आ रही है। हाँ, ठीक है ठीक है। ओ, जो आपने बताइए क्या सबसे प्रश्न? पहली दवाई बताई थी ना, वहां से अच्छा, ठीक है ठीक। मतलब वो जो, मतलब जो दुर्गंध को दूर करने वाला, वो ना? जी, हाँ जी हाँ, दुर्गंध दूर करने वाला जो औषधि है, उनमें मैंने उनको 3 4 योग बता दिए कि आप जाकर के ये पंसारी के वहां से लेके आइए और इसका सेवन करिए। तो मैंने पूरा योग बताने जाऊँ तो अभी समय नहीं बचेगा अन्य औषधियों के भी नाम बताने के लिए, इसलिए मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ। घटक भी बाद में मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका लिंक बना के भेज दूंगा। तो सबसे पहला जो योग है वो गृह्य दुर्गंध नाशक योगा है, ये चूर्ण है। फिर गैरिका आदि चूर्ण है, चंदन आदि चूर्ण है, और चंदन आदि चूर्ण है, फिर जीर्ण चैली चूर्ण है, टंकन आदि चूर्ण, तालिस गैरिका आदि चूर्ण, और तिल मूला आदि चूर्ण, और त्रिकुटुक आदि चूर्ण। इतने सारे जो औषधियां हैं जो कि जिन मतलब स्त्रियों के शरीर में से दुर्गंध ना आता हो, तो दुर्गंध का नाश करने के लिए इतने सारे औषधियां यदि मतलब सेवन करेंगे, ऐसे तो मतलब और भी बहुत सारे हैं, परंतु ये मुख्य मुख्य औषधियां यदि सेवन करते हैं तो जो दुर्गंध है वो पूरी तरह से वो दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको यदि मतलब किसी को मतलब ऐसा चाहिए कि आजकल मतलब एलोपैथी में क्या करते हैं कि ऑपरेशन करते हैं, कि ऑपरेशन करते हैं तो हमें बच्चा नहीं चाहिए, परंतु जैसे ही वो ऑपरेशन करते हैं तुरंत उनके शरीर में ज्ञान वायु विकृत हो जाता है। ये आपको समझ में रखना चाहिए। जो नसबंदी कराते हैं, चाहे वो पुरुष नसबंदी कराए या स्त्री नसबंदी कराए, दोनों की ज्ञान वायु विकृत होगी, और ज्ञान वायु विकृत होगी तो आपको पता है ज्ञान वायु क्या क्या कर सकता है। इसीलिए कोई भी नसबंदी मत कराना, चाहे वो मतलब मनुष्य हो, चाहे गाय हो, बैल हो, सांड हो, नंदी हो, कोई भी हो, अपना नसबंदी या तो जानवरों का नसबंदी कभी नहीं कराना चाहिए। यदि आपको संतान नहीं चाहिए, बंध्या करनी है, तो आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे अच्छे उपाय है। आपको कितने साल तक आपको संतान नहीं चाहिए? 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, या तो फिर कभी नहीं चाहिए? तो इसके लिए आप मतलब आयुर्वेद का शरण में आएंगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे योग है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग है जिसका नाम है तालिस गेर का योगा, ये भी चूर्ण रूप में मतलब आती है। इसका यदि आपने सेवन कर लिया तो यदि स्त्री को दे दिया तो उसमें वो पूरी तरह से बंधे हो जाती है, फिर वो कभी मां नहीं बन सकती। इसीलिए आप आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे तो आपको मतलब निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसीलिए आपको नसबंदी नहीं कराना है। ठीक उसी तरह यदि कोई बंध्या है, उसका संतान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए धातु के पुष्पादि चूर्ण करके है, यदि उसका यदि हमने प्रयोग कराया तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कोई कोई ऐसे होते हैं कि मतलब हमारा बहुत दिन हो गए, मतलब विवाह को 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब उसका यदि मासिक धर्म चालू है स्त्री का, तो 50 वर्ष की आयु में भी उसको संतान हो सकती है, और वो औषधि का नाम है धात्रादि चूर्ण। तो धात्रादि चूर्ण यदि हमने प्रयोग करने के लिए दिया तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब सफलता मिल सकती है। कोई कोई चाहते हैं कि मेरा पुत्र उत्पन्न हो। आपने मतलब आप में से कोई महाभारत पढ़ा होगा तो महाभारत में कुंती को मतलब पांडु जी आते हैं कि मुझे ऐसा श्राप मिला है, यदि मैं किसी स्त्री का आलिंगन भी करूं तो भी मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं समागम क्या करूंगा? आलिंगन करने से ही मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मतलब हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? तो कुंती जी ने कहा कि मुझे दुर्वासा जी ने एक मंत्र दिया है, और मंत्र से मैं अमुक के जगह जिस देवता का मैं नाम उच्चारण करूँ वो देवता करके मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो आप यदि अनुमति देंगे तो मैं क्षत्रज्ञ पुत्र को मैं उत्पन्न करा सकता हूँ। क्षत्रज्ञ पुत्र यानी कि वो बात अलग है, मैं आज बताना उचित नहीं होगा, कभी बताएंगे, जीवनचर्या के ऊपर चर्चा होगी तो बताएंगे। तो उन्होंने फिर उनको अनुमति दिया, तो
फिर सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हम क्योंकि एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय हो या तो कोई भी हो, बिना धर्म के वो जी नहीं सकता और उसका वंश आगे नहीं बढ़ता, कोई भी कार्य सफल नहीं होती, इसलिए तुम पहले धर्म को आह्वान करो। तो धर्म से उनको युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। फिर आगे चल करके उन्होंने केवल धर्म से क्या होगा हमें, मतलब क्योंकि हम एक क्षत्रिय है, राजा है, और हमें प्रजा का पालन करना है, शत्रु का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए हमें बाहुबल की भी आवश्यकता है। तो यदि शरीर में बल नहीं होगा तो धर्म किस काम का, इसलिए तुम एक काम करो, बल जो है ना सबसे जो अधिक बल है वो वायु देवता के पास है, इसलिए तुम पवन देवता का तुम आह्वान करो। तो फिर बाद में उन्होंने पवन देवता का आह्वान किया। फिर बोले कि ये पवन देवता तो सही है, बल भी मतलब आ गया, परंतु यदि इंद्रियों के ऊपर मतलब भाव नहीं रहा, क्योंकि जो बल होते हैं वो जिनके पास बल होते हैं वो अभिमानी होते, अहंकारी होते हैं, यदि इसमें भाव नहीं रहा, यदि इंद्रियों के उसमें मतलब समागम नहीं रही, मतलब समाहित नहीं रही, या तो फिर उसमें भावुकता नहीं रही, संवेदना नहीं रही, तो फिर वो प्रजा का दुख क्या मतलब वो जो मतलब समझ सकेगा और दुख कैसे दूर करेगा। इसलिए तुम एक काम करो, जो संवेदना का जो शील का जो देवता है वो इंद्र है, इसलिए तुम इंद्र से एक पुत्र की प्राप्ति करो। तो फिर बाद में उन्होंने अर्जुन की प्राप्ति करी। फिर बाद में उन्होंने कहा, माद्री आई, बोले कि मुझे भी तो क्या मैं बंध्या रहूं, हर स्त्री का यही कामना होती कि माँ बनना है, ये इसकी चरम सीमा लक्ष्य होती है, तो मुझे भी मतलब उसका अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र सबसे सुंदर हो, क्योंकि जो बलवान होते वो सुंदर नहीं होते, जो भाव के जो होते वो सुंदर नहीं होते, जो धार्मिक होते वो सुंदर नहीं होते, मेरा पुत्र सबसे सुंदर होना चाहिए, और इसी समय का इस द्वापर युग में सबसे अच्छे सुंदर होना चाहिए, उससे जैसा कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने अश्विनी जी का आह्वान किया, तो अश्विनी जी से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि उनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, इसका नाम नकुल रखा। फिर आगे सोचा कि नहीं, मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब गाय के विषय में चिकित्सा मतलब कर सके, और अन्य अन्य विषयों के भी मतलब अच्छे ज्ञाता हो, भूत आता हो। तो उन्होंने फिर कुमार का उन्होंने आह्वान किया, तो ऐसा उनको पुत्र की प्राप्ति हुआ। मतलब कहने का ये तात्पर्य ये है मतलब कुछ परिवर्तन करने हैं, तभी जाके जो आपका जो संतान है आपको उसी प्रकार संतान की प्राप्ति होगी। तो जो चाहते हैं, जैसे मतलब कोई भीम जैसा यदि संतान चाहते हैं, कि कोई माता चाहती है कि मुझे भीम जैसा बलवान पुत्र के उत्पन्न हो, मेरा मतलब संतान हो, तो उसके लिए क्या करना है कि नाग केसरादि चूर्ण, ये औषधि का नाम है, मैं उसके घटक सारे घटक बता दूंगा मैं आप लोगों को, ये केवल नाम नोट कर लीजिए, जिसको जो मतलब औषधि चाहिए नाम नोट कर लीजिए। तो नाग केसरादि चूर्ण का यदि सेवन करने लगे तो उनको भीम जैसा बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह और इनमें मतलब औषधि है, जो बोलते हैं कि मेरा पहले मतलब गर्भ गर्भस्राव हो गया दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, या तो मेरा गर्भ ठहरता ही नहीं है, जो ऐसा बोलते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, तो नीलांज कंधे चोना है, नीलोत्पलादि चूर्ण है, और पद्म बीजादि चूर्ण है, ऐसे मतलब करके औषधिया है। तो उसको जब हम सेवन करने के लिए देते हैं तो उसमें गर्भ की स्थापना होती है और गर्भ नष्ट नहीं होता है, ये अपान वायु की मतलब विकृति के कारण जब होता है तो तब काम करता है। ठीक उसी तरह मतलब जो और एक बात है, जिनकी मतलब योनि के दुर्गंध भी आती है अपन वायु के विकृति के कारण, तो उनमें आप पलासादि चूर्ण की कर भी मतलब औषधि है, उसको भी जब देंगे ना तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कभी कभी ऐसा आता है कि सातवें महीने में, आठवें महीने में भी कभी कभी रक्त स्राव होने लगती है गर्भवती महिलाओं को, तो उसी समय क्या करना चाहिए ना, पिपल्यादि चूर्ण करके औषधि है, पिपल्यादि चूर्ण, पारावत प्रसादि चूर्ण, तो वो औषधि मतलब देते हैं, या तो बलादि चूर्ण देते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। कभी कभी क्या होता है कि स्त्रियां बोलते हैं कि मुझे केवल पुत्र ही चाहिए, तो यदि पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए भी औषधि है आयुर्वेद में, उसमें ऐसा है कि पार्श्व पिपल्यादि चूर्ण है, और एक मतलब है कि बृहत पुष्यानग चूर्ण है, ये पुष्यानग चूर्ण जो कि मतलब रक्त प्रदान में, श्वेत प्रदान में वो दिया जाता है, परंतु जो बृहत पुष्यानग चूर्ण है वो हमारा पुत्र उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि महाबलादि चूर्ण ये हमने प्रयोग करने के लिए दिया औषधि सेवन करने के लिए, तो उससे भी प्रभाव से, इस औषधि के प्रभाव से भी बहुत अच्छे पुत्र प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका मतलब मैं अनुभव बता रहा हूँ, कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनके प्रथम संतान हुआ, उनको पुत्र या पुत्री जो भी हुआ, परंतु उनको मतलब दूध में स्तन नहीं, मतलब उनका स्तन अच्छा नहीं हुआ, मतलब दूध उत्पादन नहीं हुआ, उनका दूध मतलब मतलब बच्चे का पेट नहीं भरता था, दूध उतरता नहीं था, तो फिर वो शतावर, अश्वगंधा, बिदारीकंद और बाराहीकंद, अन्य अन्य औषधियां भी मतलब खाए, काला जीरा, कलौंजी और सफेद जीरा, वो सब खाए, शाह जीरा भी खाए, परंतु उनमें
जितनी मात्रा में उतरना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं उतरता था। तो वो जो चाहते हैं कि मेरा जो दूसरा बच्चा वो मतलब हो, तो उसमें दूध में दूध की कमी ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि भूमि कुष्मांड कुष्मांड आदि चूर्ण करके औषधि, यदि आपने तीसरे महीने से ये औषधि सेवन करना आरंभ कर दिया प्रसव तक, तो देखेंगे इतना दूध उतरेगा कि आपका क्या आपके पड़ोस का बच्चा भी आकर भी दूध पिएगा ना, तो भी उसमें मतलब दूध की कमी नहीं रहेगी। ये इतना मतलब अच्छा औषधि है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि अपन में विकृत होने के कारण अचानक ही मतलब ये जो योनि भाग है वहां पे जलन भी होती है, दर्द भी होती है, और मतलब सफेद सफेद पानी निकलता रहता है, और रक्त भी अधिक मात्रा में स्राव होते रहता है। तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए ना, भूमि आमला के आदि चूर्ण करके औषधि है, यदि हम उसका यदि सेवन करने के लिए देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको तीसरा महीना चौथा महीने से ज्यादा हो गया, उनको ऐसा कहा गया कि अपान भाई विकृत हो जाता है तो गर्भपात हो जाता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, शर्करा आदि चूर्ण का उसमें औषधि प्रयोग करने के लिए देना चाहिए। शर्करा आदि चूर्ण है, शुंठी आदि चूर्ण है, शुक्र सिम्बी मूला चूर्ण है, फिर हिंगू आदि चूर्ण है, तो ये इसके यदि मतलब सेवन करने के लिए देते हैं। ये हिंगू आदि चूर्ण जो है ना, इसको अंतिम समय मतलब जब 9वां महीने संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद में हिंगू आदि चूर्ण का प्रयोग करने के लिए देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी मतलब वो ऐसा होता है कि उसमें से मतलब बदबू आने लगती है, और मतलब बच्चे की सांस थोड़ा मतलब उसमें दिक्कत आती है, ये ऐसा हमने प्रयोग किया है मतलब अनुभव में लिया है। तो हिंगू आदि चूर्ण का तब प्रयोग करना चाहिए जब उसका प्रसव का महीना चल रहा, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या करना चाहिए, जिनको मतलब सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है स्त्रियों को गर्भवती महिलाओं को, तो उसमें दो ही मात्रा में उनकी सर्दी खांसी बुखार दो ही मात्रा में, या तो किसी किसी को 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, इसलिए मधु का चूर्ण का आपको प्रयोग करना चाहिए। जिनको गर्भ स्थापना ही नहीं होती, उनमें उन्होंने बहुत सारा प्रयोग कराया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते फिर भी गर्भ स्थापना नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उनको मातुलुंग मूलादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग मतलब बहुत अच्छा प्रयोग मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब प्रसव के बाद में दूध यदि कम उतरता है तो उनको बन कपास आदि चूर्ण उसका प्रयोग मतलब करने के लिए देना चाहिए। ठीक उसी तरह प्रसव के बाद में यदि अधिक मात्रा में यदि मतलब जो रक्त है वो बंद नहीं होता है, तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें कुछ चूर्णों का औषधियों का मतलब योग है, मैं बता दे रहा हूँ। तो उसमें रसांजन आदि चूर्ण है, यष्टि आदि चूर्ण है, फिर यवा आदि चूर्ण है, यवक्षारा आदि चूर्ण है, और मतलब मेथिक आदि चूर्ण है, मुद्दुक पुष्प आदि चूर्ण है, मासादि चूर्ण है, मालत्य आदि चूर्ण है, और मातुलुंगादि चूर्ण है। ये मातुलुंगादि चूर्ण है यदि आपने 8वें महीने से 8वां महीना 9वां महीना यदि 2 महीना भी सेवन किया ना, तो उसमें जो 100% है इसमें सुख प्रसव होता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसलिए आप उसको मातुलुंगादि चूर्ण का भी मतलब सुख प्रसव के लिए कर सकते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, इसके लिए आप लोगों को इसका भी मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो ये था कुछ चूर्ण कल्पना में। अब मैं आप लोगों को कुछ गुटिका कल्पना में मैं आपको बताऊंगा कि गुटिका कल्पना में क्या क्या औषधियां है अपन वायु के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो जयाधिपति है। जयाधिपति कब देना चाहिए, जिनको अपन वायु विकृत होकर के कमर में दर्द कभी ठीक ही नहीं होता है, तो जयाधिपति का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जीरकाधिपति करके है, और ये जीरकाधिपति क्या करता है कि अपान वायु के साथ में पाचक पित्त जिनका विकृत होता है और उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो जीरक आदि बट्टी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मतलब जो योनि का जो भाग है उसमें खुजली होती है, तो उसमें यदि कुष्ठादि बट्टी यदि हमने प्रयोग किया तो उसमें जो खुजली होती है तो खुजली पूरा शांत हो जाता है, इसके लिए हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिनको ऐसा होता है कि मतलब चाहे वो प्रदर हो या ना हो, चाहे कमर दर्द हो या ना हो, फिर भी अपान वायु के विकृत होने के कारण क्या होता है कि वो जब पोशाब पेशाब जाने के लिए जाते हैं तो उनका पोशाब पेशाब के साथ में मतलब मूत्र के साथ में थोड़ा खून भी निकलता है, ऐसा कभी कभी देखने को मिला है। तो उसमें यदि बोल बटी यदि हमने मतलब प्रयोग में किया प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और जिनको प्रसव होने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसव होने के बाद में फिर उनका बुखार ठीक नहीं होता है, किसी किसी को बुखार हो जाता है, तो बुखार जल्दी ठीक नहीं होता है और दुर्बलता इतनी आती है कि वो उठ नहीं पाती, मतलब उनको पेट शौच के लिए भी जाना पड़ता है पाखाना, तो भी वो धीरे 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 एकदम मतलब पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, सर में भी दर्द होता है, कुछ खाने को इच्छा नहीं होती,
परंतु गरम गरम खाने को उस समय मतलब इच्छा होती है, और गरम गरम ही उनको उस समय मतलब देना चाहिए, और अधिकतर जो है ना चावल का मान उनको देना चाहिए, चावल का मान, चावल का जो पानी होता है वो अधिक मात्रा में देना चाहिए। तो उसमें श्रीफल कुसुम आदि बटी करके औषधि है, तो इसका यदि हमने प्रयोग कराया तो प्रसव के बाद में जितने सारे जो समस्या है, मतलब उनको कमर में दर्द हो, या तो शरीर में सूजन हो, या तो फिर उनको बुखार हो गया हो, दुर्बलता आ गई हो, या तो फिर उनको पूरे मतलब शरीर में दर्द भी रहता हो, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि प्रसव के बाद में यदि मतलब रक्त तो बंद नहीं हो रहा, या तो फिर वो नहीं में मतलब एक दो टाके, आजकल मतलब क्या है ऑपरेशन का सर्जरी का मतलब जमाना आ गया, हर किसी को सर्जरी, हर किसी को सर्जरी, सर्जरी के बिना तो कोई बच्चा जन्म ही नहीं होता है अभी के समय में। तो किसी किसी को एक दो टाके लगते हैं योनि में, किसी किसी को तीन टाके लगते हैं, तो यदि एक दो टाके लगते हैं ना तो भी उनका बार बार यदि पेशाब होता होगा तो फिर वो सूखने में बड़ा दिक्कत होता है। तो उसके लिए अमृत फलादि चूर्ण बहुत अच्छा परिणाम आता है। किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कोई ऑपरेशन हुआ हो, या तो कोई शरीर में मतलब दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, या तो आपके शरीर में यूरिक एसिड भी बढ़ा हो, या तो फिर आपके शरीर में ऐसा कोई घाव हो जो कि भरता नहीं हो, या तो फिर जिनका अधिक मात्रा में प्रदर हो मतलब रक्त स्राव हो रहा हो और रुकता नहीं हो, या तो फिर शरीर में कमजोरी हो, स्नायु दुर्बलता भी हो, तो उसमें अमृत फलादि चूर्ण का मतलब हमने प्रयोग करके देखा है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग मतलब बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ठीक उसी तरह प्रसव के बाद में यदि आपने एक दो टका या तो तीन टका मतलब लगा योनि में आपका, और वो सूख नहीं रहा है, तो उसमें भी आपका यदि रक्त बह रहा है तो उसमें मतलब आप दे सकते हैं मलयुग फल, मलयुग फल फलादि बटी वो दे सकते हैं, रक्त बुलादि बटी वो दे सकते हैं। फिर और एक मतलब बात है कि जिनको मतलब सुती का मतलब बच्चा जन्म हो गया, और उन किसी को मतलब 4 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, या तो किसी किसी को तो बिल्कुल आता ही नहीं है, फिर मतलब उनको पीरियड आता ही नहीं मासिक धर्म, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको 6 महीने तक आपको राह देखना चाहिए कि उनको मतलब मासिक धर्म आया कि नहीं आया। यदि 6 महीने तक यदि आपका नहीं आया तो 7वें महीने में आपको क्या करना चाहिए, रज प्रवर्तिनी बटी और नष्ट पुष्पांतक बटी, नष्ट पुष्पांतक रस और कन्या लोहादी बटी, इनको आपको क्या करना चाहिए, 10 मूला रिष्ट के साथ में, या तो 10 मूल काढ़ा के साथ में आपको इसका सेवन करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रहे। और रात को सोने से पहले प्रतिदिन फल घृत का 4-4 चम्मच जो है आपको गुनगुना मीठा दूध में डाल करके पीना चाहिए, और सुबह में खाली पेट में अमृत रस कम से कम 5 चम्मच गुनगुना पानी में, गर्म पानी में डाल करके आपको सेवन करना चाहिए। ये औषधि आपने यदि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक सेवन करा दिया, यदि बीच में आपका मतलब मासिक धर्म आ गया तो रज प्रवर्तिनी बटी को और नष्ट पुष्पांतक रस ये दोनों को बंद कर देना है, परंतु बाकी जो औषधि है उनको बंद नहीं करना है, उनको 4 महीना 6 महीना तक नियमित रूप से आपको चलाते रहना है। तो ये ऐसा करेंगे तो जिनको मतलब फिर मासिक धर्म नहीं आता है तो उसमें मासिक धर्म आ जाता है, ये हमारा मतलब परीक्षित योग है, आप इसका परिणाम मतलब प्रयोग करेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इसके बाद में अभी मैं कुछ आप लोगों को घृत कल्प में बताऊंगा। तो जब मतलब घृत कल्पना की बात आती है स्त्रियों के अपान वायु के ऊपर, अपान वायु या कोई भी मतलब हो, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है हर किसी के मुंह में एक ही घृत आएगी, वो है अशोक घृत, क्योंकि अशोक छाल जो है स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों को मालूम होगा। परंतु ये जो अशोक घृत है ना केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी मतलब जिनका धातु संबंधी मतलब बीमारी होती है, रोग होता है, तो उनको भी मतलब यदि देते हैं अशोक घृत गुनगुना मीठा दूध में डाल करके रात को सोने से पहले या तो दिन में 2 बार भोजन के साथ में, तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और भी औषधि है कि जिनको गर्भधारण की शक्ति कम हो जाई है, या तो फिर उनको बार 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 मतलब गर्भस्राव हो गया, या तो फिर उन्होंने गर्भ को नष्ट किया, मतलब विवाह के बाद में कोई कोई क्या करते हैं संतान नहीं चाहते, बोलते कि अरे अभी तो हमारी मतलब आयु ही क्या है, पहले हम उपभोग कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद में संतान रखेंगे, अभी कहाँ मतलब मैं हम बूढ़े हो गए हैं, तो ये जो डायलॉग मतलब बोलते हैं ना, तो उनको फिर बाद में क्या होता है कि गर्भ धारण ही नहीं होती है, ये समस्या आती है। तो इस समय आपको उस समय यदि हमने काश्मीर यदि घृत का यदि मतलब प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम आता है, क्योंकि उसमें वातक अपान वायु को जल्दी ठीक करता है काश्मीर यदि घृत, तो ये वातक मतलब जो रोग है उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, इसके लिए आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और भी मतलब औषधि है, परंतु आपको तब देना चाहिए, किसी किसी का क्या होता है कि हेमोग्लोबिन कमी के कारण गर्भ नहीं रहता, क्योंकि गर्भाशय जो है डिंबाशय जो है रस और रक्त ये दोनों, और शुक्र की दृष्टि यदि मतलब हो जाए उसमें, मतलब आयुर्वेद के एक आधार पर देखा जाता है कि रक्त दृष्टि और शुक्र दृष्टि, और उसमें मतलब ये दोनों मतलब दृष्टि रहे तो गर्भधारण में बड़ा संकट आता है, तो उसको यदि आप ये समस्या आती है
तो कुसुमादि मतलब सॉरी गलत कहा, कुमुद आदि घृत का यदि हमने प्रयोग प्रयोग में लाए तो उसमें हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, तो इसका हम मतलब प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह और भी मतलब है जिसका नाम है कि मतलब तीव्रता आदि मतलब घृत है, तो तीव्रता आदि घृत तब कब देना चाहिए जिनको सही तरीके से मतलब मासिक धर्म आता ही नहीं हो, किसी को 2 दिन लेट में विलंब से आता हो, किसी को एक हफ्ते के बाद में विलंब से आता हो, और उस समय यदि मतलब ये विलंब से आने लगे तो तीव्रता आदि घृतम का यदि हमने प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और भी औषधि है जिनको मतलब योनि में किसी किसी का देखेंगे कि योनि के अंदर के भाग में किसी किसी को फोड़े या तो फुंसी या तो जैसे बवासीर की मस्सा जैसा हो जाता है उनके अंदर अंदर के भाग में, या किसी किसी को योनि के मतलब पास में साइड में ही मतलब मसा मसा जैसा दिखाई देने लगता है, तो उनको योनि अर्श ऐसा नाम से भी मतलब जाना जाता है। और ये तभी होता है जब उनका मतलब मूत्र और मल सही तरीके से नहीं निकल पाते, और यह अपान वायु के विकृति के कारण ही ऐसा होता है। तो यदि हमने उस समय अपान वायु को ठीक कर दिया तो योनि का अर्श जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कोई कोई वैद्य कांचनार गुगलो नित्यानंद रस वो वृद्धिवादी का वो सब देते ही देते हैं, उसमें भी परिणाम मिलता है, परंतु हमें उसका जो मुख्य कारण है अपान वायु हमें उसको ठीक करना है। यदि हमने उसको ठीक नहीं किया तो कुछ दिनों के बाद में या तो कुछ साल के बाद में फिर से वो होने लगेगा, और हो सकता है कि फिर आपको मतलब अंदर से और भी मतलब भयंकर जैसा संक्रमण होने की संभावना रहे। तो उसमें आपको एक औषधि में बता देता हूँ जो आप लोग को सबको मालूम है, जिसका नाम है जात्याधिघृत। और ये जात्याधिघृत है ना, ये बवासीर में भी प्रयोग में किया लाया जाता है, और जिसका कोई मतलब घाव यदि भरता नहीं हो तो उसको भी ये व्रण रोपण के लिए जात्याधिघृत का हम उसका मलम की तरह प्रयोग में लाते हैं। और ये जात्याधिघृत आपको हर जगह मिल जाते हैं, औषधि के दुकान में जाएंगे तो आराम से मिल जाएगा, और सभी वैद्य इसके वैद्यों के पास होता भी है और इसका उपयोग में भी लाते हैं। हाँ हो सकता है कि किसी किसी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करना है वो प्रयोग करने की विधि थोड़ा अनजान रहते हैं कोई कोई, परंतु सबके पास मतलब मालूम भी है, और कुछ कुछ नाम और भी अभी मैं जितने सारे नाम भी बता रहा हूँ ना, हो सकता है इनमें से बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, और कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रंथ में पढ़े भी होंगे। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब गर्भ की तो स्थापना हो गई, परंतु जैसे ही आपको गर्भ धारण हो गया 2 महीना 3 महीना हो गया, खाने की इच्छा बिल्कुल मतलब नष्ट हो गई, अरुचि आ गई, और नहीं खाएंगे तो फिर गर्भ को मतलब संतान को आपको मतलब बल नहीं मिलेगा, फिर वो जब मतलब जन्म होगा तो फिर वो दुर्बलता मतलब उसमें होगी, उसमें फिर वो जन्म होगा तो फिर उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सब सारे मतलब व्यथाएं हैं चिंताएं हैं। तो यदि उस समय यदि आपने गुड़च्यादि घृत का यदि सेवन किया तो गर्भ तो शिशु है उसको मतलब जितना शक्ति मिलना चाहिए उससे मिल जाएगी, मतलब भले मतलब जो गर्भधारिणी माता है वो यदि मतलब कम खाए पिए यदि पानी भी कम पिए तो भी जो है वो गुड़च्यादि घृतम से उसको सारा जो विटामिन है उसको मिल जाएगी। आपको उसके लिए कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली और जिंक ऑक्साइड की गोली वो सब लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक उसी तरह हाँ और भी औषधि है कि सतावर घृत नाम से भी मतलब औषधि है, तो सतावर घृत भी यदि हमने मतलब प्रयोग में लाए तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ धारण करने के बाद में नाभि के पास में किसी किसी के जैसे हर्निया जैसा मतलब उनको देखने को मिलता है, ऐसा मैंने देखा है 2-3 केस मैंने अपने जीवन में, बाकी मैंने ज्यादा नहीं देखा है, 2 या 3 मतलब मैंने ऐसे केस देखे जो रोगी आते हैं कि बोलते हैं कि मतलब मेरे यहाँ हर्निया जैसा हो गई है, और उनको जो है मतलब एलोपैथी डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है मतलब शरीर की रचना के विषय में, शरीर का क्रिया के मतलब फिजियोलॉजी एनाटॉमी उनको सही तरीके से मालूम नहीं है, केवल सेल टिश्यू कैसू मतलब केवल अर्गान इनको इतना ही मालूम है, और ये टेस्ट रिपोर्ट इनको मतलब उनको इतना ही मालूम है, तो उनको फिर वो कुछ करते नहीं है, बोलते अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये अभी मतलब गर्भवती है, ये जब मतलब गर्भ मतलब बच्चा जन्म लेगा जन्म हो जाएगी तो यदि उस समय यदि कुछ होता है तो फिर देखेंगे आगे सोचेंगे, परंतु यदि आयुर्वेद के शरण में आ गए तो उस समय मतलब हमने एक औषधि निर्माण कराया था जिस औषधि का नाम है सिद्ध कल्याणक घृतम, ये मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये नाम भी नोट कर लीजिए, जिस किसी को भी मतलब ऐसा आए कि गर्भवती महिला है कि उसको नाभि के पास में या तो स्तन के पास में छाती के पास में पेट के आसपास ऐसा कोई मतलब हो देखने मतलब दिखाई देने लगे तो सिद्ध कल्याण घृत का यदि आपने उसको पीने के लिए दिया तो 1 से 1.5 महीने के अंदर वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, वो जो हर्निया जैसा वो होता है ना मतलब उसको क्या ट्यूमर या जो जो कहना है कहे, तो आयुर्वेद में उसको गुल्म कहा जाता है, परंतु हम गुल्म की औषधि उस समय नहीं दे सकते, ना काचनार गुगुल दे सकते हैं, ना मतलब ये कंकनाइन गुटिका दे सकते हैं उस समय नहीं दे सकते,
ये सब क्यों? रस रस औषधि मतलब कम मात्रा में देने के लिए, मतलब या तो बिल्कुल ना देने के लिए कहा है। नित्यानंद रस भी नहीं दे सकते क्योंकि वो गर्म करेगा, हो सकता है वो मूड मतलब कर दे गर्भ को। तो उस समय यदि हमने शीत कल्याण घृत का यदि प्रयोग कराया तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है और बच्चे को भी मतलब बल देता है और खाने भूख भी बहुत अच्छी लगती है, पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है और गर्भ को भी मतलब शक्ति मिलता है, गर्भस्थ शिशु को भी बल मिलता है और उसको बहुत मतलब सुख प्रसव भी मतलब हो जाता है। ये मतलब हमने प्रयोग करके मतलब बहुत अच्छा औषधि है, आप भी इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और भी औषधि है जिनको गर्भ मतलब धारण करने के बाद में उनको ऐसा होता है कि उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, या तो यूरिन इन्फेक्शन होगा, या तो पेट में दर्द बना रहेगा, या तो मतलब कुछ ना कुछ समस्या बनी ही रहेगी, मतलब पेट दर्द या तो आज बुखार होगा, फिर उनको मतलब हीमोग्लोबिन की कमी मतलब रक्ताल्पता रहेगी, या तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि कमजोरी मतलब ऐसा रहेगा उनके मन में मतलब पूरे शरीर में। तो उस समय यदि आपने मंजिष्ठादि घृत का प्रयोग कराया, क्योंकि मंजिष्ठा होता है ना हमारा यकृत प्लीहा के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग को मालूम है रक्त धातु के ऊपर उसका बहुत अच्छा काम है, तो मंजिष्ठादि घृत का यदि हमने प्रयोग कराया तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको बार बार केवल लड़की ही लड़की मतलब जन्म होती है, मतलब आज तो अभी ऐसी स्थिति है, ये कहना भी मतलब दोष है परंतु मैं बोल देता हूँ क्योंकि किसी किसी को पुत्र भी संतान मतलब चाहिए होती है, तो जिनको केवल लड़की ही लड़की होती है मतलब उनको यदि चाहिए कि मेरा एक पुत्र संतान हो जाए जैसे कि मतलब मेरा वंश आगे बढ़े, तो उनके लिए महाकल्याण घृत है। तो ये भेषज रत्नावली का ही हो गया, आप देखेंगे भेषज रत्नावली में उन्होंने मतलब पूरा विस्तार से उसमें बताया है, मतलब तो महाकल्याण घृत का यदि हमने प्रयोग कराया जो बच्चा मतलब होगा ना वो पुत्र होगा और मतलब उसमें ऐसा बताया गया है कि जो संतान होगा दीर्घायु होगा ऐसा उसमें बताया गया है, तो उसमें हम मतलब ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमें मतलब फायदा करेगा। ठीक उसी तरह और भी मतलब एक औषधि है जिसका नाम है बृहद कल्याण घृतम, तो बृहद कल्याण घृतम भी देंगे तो उसमें भी मतलब वो पुत्र संतान होती है और दीर्घायु पुत्र हमें प्राप्ति की होती है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है वृद्ध धारक घृतम, तो वृद्ध धारक घृतम देते हैं ना तो ऐसा कहा जाता है कि वो इतना शूरवीर मतलब संतान उत्पन्न होता है कि वो कभी अधीर नहीं होता, कितना भी बड़ा संकट आ जाए वो तो कभी अधर ही नहीं होता, मतलब धीरज उसमें होता ही होता है, इतना बहुत अच्छा औषधि है। तो उसको यदि हमने मतलब प्रयोग में लाए तो हमें बहुत अच्छा यश की यश और कीर्ति की भागीदारी बनेंगे, जैसे मतलब पांचों पांडव थे कुंती के पुत्र मतलब हिसाब से वो जाने जाते हैं पांडव पुत्र पांडव, तो ऐसे ही हमारे मतलब संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कुछ घृत कल्पना के विषय में था, अभी हम कुछ जो है तैल कल्प के विषय में बात करेंगे। तैल कल्प यानी कि ये जिनका अपान वायु विकृत हो जाता है, तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म की चिकित्सा होती है उसमें योनि पिच्छु, योनि मतलब ऐसा योनि पिच्छु धारण करने के लिए जाता है दिया जाता है, उत्तर वस्त्र भी दिया जाता है, अभी हम उत्तर वस्त्र की बात नहीं करेंगे योनि पिच्छु के विषय में बात करेंगे। योनि पिच्छु की इसका अर्थ यह है कि मैं जिन मतलब तेलों के विषय में केवल नाम बता दूंगा, आप उनमें से तेल जो है ना कम से कम 2 लीटर या तो 3 लीटर आपको मतलब लेकर आना है और उसमें एक टब में भर देना है, और भर करके क्या करना है जिन माता और बहनों का या तो जिन महिलाओं का स्त्रियों का मतलब कोई समस्या है, मैं लक्षण के आधार पर भी बताऊंगा, तो जिनको समस्या है उनको मतलब कपड़े उतार करके मतलब एक घर में बंद करके मतलब घर घर के अंदर उसको कपड़े उतार करके आपको उसमें बैठना है, और आपका जो योनि जो होता है ना मतलब वो पेशाब के रास्ते में आपको ऐसे खींचना है जैसे हम मूलबंध प्राणायाम करते हैं, तो मतलब जो योनि है उसको मतलब ऐसा आकुंचन और प्रसारण ऐसा करेंगे जो तो तेल है वो धीरे 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 गर्भाशय तक पहुंचेगी। इसको आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत योनि पिच्छु देना, योनि पिच्छु धारण करना ऐसा कहा जाता है, और ये केवल अकेले में आप कर सकते हैं, उसमें कोई वैद्य की आवश्यकता नहीं है। तो केवल कौन से तेल आपको चाहिए लक्षण के आधार पर वो मैं केवल आपको तेलों के नाम बता देता हूँ, तो तेल कल्पना में इसको कहा जाता है। तो जिनको योनि में ऐसा होता है कि उनको बार बार मतलब संक्रमण होता है, या तो फिर उनमें उनमें जलन होती है, या तो योनि में दर्द होता है, या तो फिर उनमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब होता है कि योनि उनका सूख जाता है कभी कभी, क्योंकि योनि जो होता है ना स्त्रियों का वो हमेशा मतलब थोड़ा गीला रहना चाहिए ऐसा कहा गया है, चरक जी ने कहा है, यदि वो सूख जाए उसको शुष्क योनि के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे चरक संहिता का चिकित्सा स्थान में, हाँ चिकित्सा स्थान में शायद योनि व्यापार के अध्याय में देखेंगे चरक संहिता में, उसमें बहुत अच्छे से मतलब बताया गया है कि शुष्क योनि कितना खतरनाक होता है स्त्रियों का, यदि योनि यदि शुष्क हो गया तो स्त्री भी शुष्क हो जाती है, उसका वजन भी कम हो जाता है, रक्त धातु भी कम हो जाता है, वो धीरे धीरे सूखी लकड़ी की भांति वो बनता चला जाता है,
ऐसा चरक जिन्हें कहा है। इसीलिए जो स्त्रियों का योनि है वो हमेशा हल्का सा थोड़ा सा वो गीला गीला रहना चाहिए, नारियल तेल की तरह रहना चाहिए, परंतु उसमें से कोई बदबू नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो उसमें यदि ऐसा कुछ होता है तो सबसे जो पहला जो तेल है उसमें ऐसा कहा गया है कि गुड़ोत्यादि तेल है, तो गुड़ोत्यादि तेल यदि हमने प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक तेल है जिसका नाम है उदुम्बरादि तेल, तो उदुम्बरादि तेल भी हम प्रयोग में लाते हैं तो भी उसमें हमें ऐसा प्रयोग में मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भवती है और गर्भवती का जो स्त्री है वो पेट में दर्द होने लगता है तो वो संभाल नहीं पाती है, परंतु उसको समय नहीं होता है और पेट में दर्द भी हो रहा है और साथ में रक्त भी स्राव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गर्भ विलास तेल जो कि भेषज रत्नावली में बताया गया है, परंतु वहां पे पिच्छू देने के लिए नहीं कहा है, योनि पिच्छू धारण करने के लिए, वहां पे उन्होंने अभ्यंग करने के लिए, पीने के लिए, मतलब ये पेड़ में मालिश करने के लिए, अभ्यंग करने के लिए वो कहा है, परंतु हमने देखा है उसको योनि पिच्छू धारण करते हैं तो उसमें एक ही दिन में ही बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जो गर्भवती महिलाओं का पेड़ में दर्द साथ में जो रक्त स्राव होता है वो एक ही दिन में रक्त का स्राव भी रुक जाता है और जो पेट में दर्द है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसमें आप गर्भ विलास तेल का यदि पिछु देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब हाँ और एक बात है, जिनको बार 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 यदि मतलब ऐसा होता है कि गर्भ धारण करने के वो समय में मतलब जैसे ही उनका समय आता है, जिनको पुत्र के यदि चाहिए तो संतान या तो स्त्री यदि संतान यदि चाहते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि जब पति के साथ में वो समागम करते हैं तो उस समय क्या होता है उनको मतलब बहुत जोर से पेट में दर्द होता है और योनि में भी दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसमें धातक्यादि तेल है तो धातक्यादि तेल का यदि योनि पिच्छे धारण करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह नतार्थ तेल करके औषधि है तेल है, उसका भी हम यदि धारण करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह शतावरी तेल है, और ये शतावरी तेल है ना ये योनि को तो पूरा एकदम मतलब मसरूण मतलब नरम बना देता है, और जो जो गर्भाशय जो ग्रीवा है यदि जो यूट्रस का जो वाल है थिकनेस वाल है उसको भी वो मतलब बल देता है, और जो पुत्र उत्पन्न होता है ना एकदम मतलब पुत्र होता है और पुत्र बहुत अच्छा बुद्धिमान बनता है, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक उसी तरह यदि हेम सुंदर तेल का यदि वस्त्र पिच्छू धारण किया गया तो उसके मतलब ये प्रसव होने के लगभग 2 महीने या तो 3 महीने के बाद में उसको देना चाहिए, या तो फिर यदि आपने मतलब योनि का कोई टाका पाके मतलब लगाए हैं तो हेम सुंदर तेल में यदि योनि पीछे देते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, हीलिंग हो जाती है, ऐसा देखा गया। ठीक उसी तरह और एक औषधि है तेल है, मतलब ये तब देना चाहिए जब मतलब जिनको काम इच्छा ही नहीं होती, कामना की इच्छा नहीं होती, मतलब उनको कोई संतान भी नहीं है परंतु उनको देखा जाए तो मतलब पति की इच्छा होती है संतान को रखना परंतु पत्नी बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं है, मुझे थकान लग रही है, मतलब कोई ना कोई वो बहाना करते हैं, तो यदि उस समय मृणाल आदि तेल का यदि हमने मतलब दे दिया तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। तो मृणाल आदि तेल का या मतलब टीवी में भी विज्ञापन भी देखते हैं और सबको मतलब थोड़ा बहुत जैसे भी वो मतलब जो पुस्तक तो ये उनका मतलब ज्ञान होता ही होता है, तो उसमें मुझे कोई ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं वो मतलब उससे अस्पष्ट बताऊंगा जो आप लोगों को मतलब या तो मालूम नहीं होगा या तो सुने नहीं होंगे या तो ध्यान से पढ़े नहीं होंगे। तो सबसे पहले आता है अशोकारिष्ट तो आता ही आता है, और आता है कि जीरकाद्यारिष्ट, तो जीरकाद्यारिष्ट कब देना चाहिए, जिनको गर्भिणियों को कभी कभी पेट में दर्द होता है और केवल गैस्ट्रिक का उनका रहता है और उनको क्या होता है कि मतलब तीखा खाने का, खट्टा खाने का, नमकीन खाने का उनको अच्छा लगता है और वो खाते भी है, तो जिसके कारण उनको पेट में दर्द होता है, और उनको पेट में दर्द होता है ये गैस्ट्रिक के कारण कैसे पता चले ना, वो देखेंगे दिन में कम से कम कभी 3 बार, कभी 2 बार, कभी 4 बार वो मतलब पैखाने के लिए जाएंगे, तो उसमें जीरकाद्यारिष्ट यदि आपने प्रयोग में कर दिया दे दिया तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और उनका जो पेट का दर्द है वो मतलब ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह निशाकाद्यारिष्ट का मतलब करके औषधि है, परंतु ये कोई कंपनी बनाती नहीं है, परंतु ये आपको यदि मतलब बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ है नहीं, तो ये मतलब यदि आपके आसपास मतलब कोई ऐसा बनाने की सुविधा है तो आप उसमें मतलब बना सकते हैं। ठीक उसी तरह लक्ष्मणारिष्ट करके औषधि है, ये लक्ष्मणारिष्ट भी मतलब कोई कोई कंपनी बनाती है, सभी कंपनियां नहीं बनाती है, तो लक्ष्मणारिष्ट यदि हमने मतलब प्रयोग में लाए तो उसमें हमें बहुत अच्छा प्रयोग में मतलब लाभ मिलता है। ठीक उसी तरह अब मैं ये तो आशावरिष्ट मतलब हो गया, अब मैं आप लोगों को कुछ लेप कल्पना के विषय में भी बताऊंगा। लेप यानी कि मतलब उसका जो पेट में मतलब कोई समस्या होती है तो हम वहां पे मतलब लेप लगा सकते हैं, दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो खरमंजरादि मतलब लेप है, खरमंजरादि लेप मतलब कब देना चाहिए, उसको तब देना चाहिए जब उसके मतलब पूरे मतलब नाभि से लेकर के
पूरे पेशाब के रास्ते तक पूरा दर्द होता हो, तो उस समय यदि आपने पूरा पेट में साथ में नाभि तक मतलब पेशाब के रास्ते तक मतलब पूरे योनि के भीतर नहीं लगाना है, मतलब ऊपर से लगाना है, मतलब पेट से लेकर के नाभि योनि तक पूरा ऊपर से यदि हमने लेप लगा दिया खरमंजरा आदि लेप का, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भिणी मतलब जो है गर्भ मतलब गर्भवती है और उनके ऐसा लगता है कि उनका मतलब जो कमर है या तो फिर मतलब कमर में सोत नहीं होना चाहिए, मतलब पेट में सोत बढ़ता है, परंतु यदि जांघों में सोत मतलब हो गया मतलब सूजन आ गई, या तो हाथ पैर में यदि सूजन आ गई, क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है पुत्र है गर्भ में तो दाहिने तरफ सूजन होगी, कन्या है तो बाएं तरफ सूजन होगी, ऐसा कहा जाता है। यदि आपका दोनों हाथ दोनों पैर या तो दोनों मुंह पूरा शरीर में यदि सूजन आ गई या तो फिर आपका मतलब जो योनि भाग है उसमें सूजन आ गई, तो उसमें आपको चंदन आदि का लेप लगाना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा उसमें मतलब फायदा करता है। तो ठीक उसी तरह गर्भ मतलब प्रसव करने के बाद में अपान वायु उसमें उसमें इतना बिगड़ जाती है और उसमें पेट में वायु तरह मतलब भर जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए ना, तुम्बी पत्र आदि का लेप यदि हमने मतलब उस समय प्रयोग किया तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है शालिपन्नी आदि लेप करके है, तो हमने यदि योनि के रास्ते यदि हमने लेप लगा दिए तो उसमें सुख प्रसव होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक उसी तरह किसी किसी को ऐसा होता है कि अपन में विकृत होने के कारण नाभि से लेकर स्तनों तक पूरा दर्द होता है, पूरा जोर से दर्द होता है, तो निषादी लेप का वहां पे प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि अपन में विकृत हो गया जिसके कारण जो बच्चा है वो गर्भ में ही मर गया, तो उसी समय आपको उस समय इसके लिए क्या करना चाहिए ना, परोसकादि लेप यदि हमने लगा दिया पेड़ में और पूरे योनि में पूरा लेप लगा दिया, तो जो बच्चा है वो बच्चा खींच के आ जाएगा, जैसे लोहे को चुंबक मतलब खींच लेती है या तो चुंबक को लोहा खींच लेती है, तो ठीक उसी तरह जो परोसकादि लेप का यदि हमने लगा दिया लेप, तो जो बच्चा जो मर गया है वो भी मतलब बाहर आ जाती है। ठीक उसी तरह जिनको ऐसा है कि मतलब आपको बच्चा नहीं चाहिए अभी, मतलब आपको कुछ दिनों तक तो बच्चा नहीं चाहिए, तो पलाश विजादी लेपम करके औषधि है, तो यदि हमने उसको मतलब योनि में लेप लगा दिया और फिर बाद में यदि हमने समागम किया तो उसमें भी मतलब जो है मतलब बच्चा नहीं होगा, ये मतलब गर्भ निरोध की तरह ये बहुत अच्छा काम है। ठीक उसी तरह और एक लेप है जिसके की पाठादि लेप है, भूस्त्रण आदि योनि लेप है, तो इसको भी यदि हमने योनि में मतलब धारण कर दिया और फिर उसके बाद में यदि पति के साथ में समागम किया तो उसमें बहुत अच्छा मतलब पुत्र उत्पन्न होता है, ये मतलब देखा गया। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सुंठियादि लेप है, सुंठियादि लेप का यदि हमने प्रयोग में लाए तो उसमें भी क्या होता है कि जो गर्भवती जो है और योनि में मतलब दर्द होता है तो उसमें दर्द के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह यदि अपान वायु किसी का विकृत होने के कारण उनके मतलब प्रसव ये प्रसव बोल रहा हूँ अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा है और बहुत जोर से पेट में भी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में भी दर्द हो रहा है और उनको ऐसा है कि वो रात में भी नहीं सो पा रहे, और किसी किसी का तो स्तनों में भी इतने जोर से दर्द हो रहा है वो मतलब शर्म के मारे कुछ बता नहीं पाती किसी को, तो इसके लिए कुछ कुछ औषधियां मतलब कुछ लेप है जैसे कि मधुकादि लेप है, फिर मायाफल आदि लेप है, लांगल्य आदि लेप है, माकंद फल आदि लेप है, फिर मातुलुंग आदि लेप है, फिर विशाल आदि लेप है, मुंडा आदि लेप है और वृषमूलादि मतलब लेप है, तो ये लेप में से कोई एक भी मतलब लेप का यदि हमने प्रयोग में लाए तो उसमें बहुत अच्छा हमें मतलब फायदा करता ही करता है, मतलब फायदा मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह अब मैं आप लोगों को कुछ अवलेह कल्पना में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता है जीरक आद्य अवलेह, ये जीरक आद्य अवलेह जो है ना बहुत कंपनियां मतलब आपको बनाती है, ये आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा जीरक आद्य अवलेह का, तो आप इसका मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में उसको सेवन करने के लिए दीजिए, उसके बाद में गुनगुना पानी उसको पीने के लिए दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है सौभाग्य शुंठी आदि अवलेह है, ये सबसे पहले बहुत अच्छा औषधि है, जिनको भी मतलब गर्भवती महिलाओं को उल्टी होती हो, शरीर में जलन होता हो, बुखार होता हो, सांस फूलता हो, खांसी होती हो, लिवर का कोई समस्या हो, प्लीहा बढ़ गई हो, या तो फिर उनको मतलब गैस्ट्रिक हो गया हो, या तो फिर स्तनों में भी मतलब ये मतलब दर्द हो गया हो, या तो फिर ये कमर में दर्द हो, या तो फिर मतलब उनको ये रक्तस्राव हो रहा हो गर्भवती महिलाओं को, तो उसमें यदि हमने सौभाग्य शुंठी आदि मोदक यदि हमने मतलब दे दिया तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह दूसरा भी औषधि है सौभाग्य शुंठी पाक, और ये भेषज रत्नावली में भी बताया गया है सौभाग्य शुंठी पाक, तो इसको भी मतलब देते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा करता है, इसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ अवलेह कल्पना के विषय में था, अब मैं आप लोगों को
जो है कुछ धूप कल्पना में के विषय में बताऊंगा। धूप कल्पना यानी कि आप मतलब धूप देना है। धूप मतलब कैसा है कि आप लोग को मालूम है कि कोई अंगारा जैसा मतलब लेना है, उसमें धूप मतलब डालना है। जो साड़ी जो मतलब पहनी हुई जो महिला है उसके ऊपर मतलब जो धूप है उसको योनि में जाकर के लगना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जैसे हम बवासीर के धूप बवासीर में धूप देते हैं, तो अपन वे को ठीक करने के लिए उसमें धूप का भी प्रयोग किया जाता है। तो जो सबसे पहले जो धूप है, जो सबसे पहले जो धूप है वो निम्ब काष्ठादि धूप है। तो ये क्या करता है, निम्ब काष्ठादि धूप ये मतलब बच्चा होने के लिए वो गर्भ निरोध जैसा वो काम करता है। तो जिसके मतलब नहीं चाहिए कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो वो शाम को निम्ब काष्ठादि धूप का ले लीजिए, फिर वो पति के साथ में समागम करेंगे तो उनको बच्चा नहीं होगा। इसमें बहुत अच्छा मतलब लाभ करता है, तो आप चाहे तो इसका मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक धूप है जिसका नाम है मधुकादि धूप है। तो मधुकादि धूप का यदि हमने प्रयोग किया, तो जिनको मतलब ये योनि में दर्द होता है, तो योनि में जो दर्द होता है तो उसमें बहुत अच्छा ये फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है शिपण्यादि ध्रुप। तो शिपण्यादि ध्रुप कब करता है, मतलब कब देना चाहिए, जिनको मतलब योनि में दर्द हो और योनि में से मतलब ऐसा खुजली खुजली होता हो और कोई ना कोई संक्रमण होता हो, तो शिपण्यादि ध्रुप का जब हम मतलब प्रयोग में लाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, तो उसमें आप दे सकते हैं। तो अभी कुछ रहा जो कि मतलब रस भस्म रस कल्पना के विषय में मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है इंदु शिखर रस, जो कि भेषज रत्नावली का योग है, आप उसका जब मतलब प्रयोग में लाते हैं तो उसको कब देना चाहिए, तो गर्भिणी स्त्रियों को देना चाहिए इंदु शिखर रस। ये गर्भिणी स्त्रियों को जब ज्वर होता हो, खांसी होता हो, या तो फिर मतलब श्वास फूलता हो, बार बार मतलब पाखाना लगता हो, तो उसमें जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा करता है। ठीक उसी तरह महाभ्र बटी करके है, ये कब देना चाहिए, जब आपको ऐसा लगे कि बच्चा भी जन्म हो गया परंतु इसका वजन घट गया और ये बहुत दुर्बल हो गई, तो महाभ्र बटी का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, रस औषधि है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मतलब बच्चा जन्म होने बाद में उसका गला सूख जाता है और उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और गरम गरम खाने पीने की अधिक मात्रा में इच्छा होती है कोई कोई महिलाओं को, तो ज्यादा क्या करते हैं, गर्म पानी पीते, चाय कॉफी अधिक मात्रा में पीते हैं, या तो फिर अन्य वगैरह पीते हैं, या तो गर्म चीजें खाते नहीं है तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स या तो वगैरह वगैरह ये तो रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं या तो कूलर लगा के वो रहते हैं, तो फिर उनके क्या होता है कि मतलब जो लिवर है वो लिवर फूल जाता है, या तो फिर उनको जलोदर की रोग मतलब रोग हो जाता है जिसको एसआईटिस कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ना महाशार्दुल रस है, महाशार्दुल रस नाम का जो औषधि है, यदि आपने उसका प्रयोग मतलब कराया, दो दो गोली दिन में 3 बार 4 बार यदि हमने प्रयोग कराया गर्म पानी के साथ में, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मतलब फायदा करेगा। ठीक उसी तरह जिनको मतलब ऐसा लगता है कि अभी हमने इतने सारे औषधि मतलब दे दिए परंतु हमको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका मतलब हुआ क्या है, परंतु वो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको मतलब क्या करना चाहिए, तो मैं उसको कुछ औषधियों के नाम बता दे रहा हूँ। तो गर्भ चिंतामणि रस है, बृहत गर्भ चिंतामणि रस है, गर्भपाल रस है, गर्भ विनोद रस है, गर्भ विलास रस है, गर्भ पीयूष वल्ली रस है, गृह घरोद्रगारी रस है, फिर चक्रिका वध्व रस है, चंद्रकला रस है, और फिर मतलब ये जय सुंदर रस है, तालकादि गुट्टी का रस है, त्रैलोक्य तिलक रस है। ये सारे के सारे यदि मतलब आपने किसी एक रोग किसी एक औषधि का भी प्रयोग में लाए तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका जो मतलब ये प्रसव होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई भी औषधि दे देते तो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो सर्प विष से युक्त तो जो बना हुआ प्रताप लंकेश्वर रस है, यदि आपने उसका प्रयोग किया तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि उनको प्रदर नहीं होता परंतु उनका बीच बीच में से एक एक बूंद जैसा टपकता है, या तो फिर उनके योनि में कुछ पीला पीला, कुछ लाल लाल, कुछ सफेद सफेद, उनके योनि के अंदर भाग में भीतरी भाग में लगा हुआ सटा हुआ रहता है। जैसे ही वो पति के साथ में समागम करती है, वो जो सारा का जो मतलब जो सफेद या तो लाल पीला जो भी है वो उसके पति के लिंग में आकर के लग जाता है, तो उनको पता, फिर उनको फिर जो पति के मतलब कुछ समय जलन होती है, दर्द होती है, तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ समस्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, प्रमदानंद रस करके जो औषधि है, तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं प्रमदानंद रस, और ये भेषज रत्नावली का योग है, तो उसमें बहुत अच्छा आपको मतलब फायदा मिलेगा। तो वो स्त्री को मतलब देंगे
और साथ में प्रताप लंकेश्वर रथ जो है उसको पुरुष को देना है, परंतु प्रताप लंकेश्वर रथ जो है ना उसको पुरुष को देने के लिए नहीं लिखा है, परंतु हमने जब पुरुष को प्रताप लंकेश्वर रथ दिया और प्रमोदानंद रथ दिया स्त्री को, तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा मिला, इसलिए जो मुझे अनुभव आया उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बच्चा जन्म होने के बाद में जो फिर बाद में उसको मासिक धर्म आता है, तो किसी किसी को कमर के दर्द होने के साथ में मतलब उनको मासिक धर्म आता है, तो उसमें फिर सर्वांग सुंदर रस, सर्वांग सुंदर रस इसके नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि जो लड़की होती है स्त्री होती है पहले सुंदर होती है, उसके सर्व अंग जो है सुंदर होती है, आप मतलब कोई भी अंग देखिए, परंतु जब एक बच्चा जन्म होने बाद में उसके सारे अंग जो है शिथिलता आ जाती है सारे अंगों में, और उसके सारे अंगों में थोड़ा उथल पथल हो जाती है, तो इसके लिए फिर सर्वांग सुंदर रस का जब हम प्रयोग कराते हैं 4 महीना 6 महीना तक गुनगुना मीठा दूध के साथ में, तो उसके सारे अंग जो है ना जैसे पूर्ववत हो जाते हैं, मतलब जैसे था यथापूर्वम तथा परम, जैसे पहले थे फिर वैसा बाद में भी मतलब हो जाता है, तो सर्वांग सुंदर रस का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और ऐसा कहा गया है कि जिनका भी मतलब गर्भ ये प्रसव होने के बाद में हर स्त्री को सुत्ती का भरण रस जो कि स्वर्णयुक्त है 1 साल तक तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे अपानवय भी विकृत नहीं होता और उनका सुती का रोग नहीं होता। सुती का रोग क्यों होता है, वो अपानवय विकृत होता है तभी ना होता है, तो अपानवय के यदि आपने ठीक कर दिया तो फिर उसको कोई रोग होगा ही नहीं स्त्री लोगों को, स्त्री लोगों को महिलाओं को रोग होता है तो उसमें कौन सा भूमिका होती है, अपानवय की ही मतलब मुख्य भूमिका रहती है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आ जाते हैं मतलब उनको बहुत सारे औषधि मतलब हम देते हैं परंतु कोई भी औषधि से वो ठीक नहीं होते, तो मैं कुछ औषधि उनको बताता हूँ। लक्ष्मी नारायण रस है, लक्ष्मणा लोह है, रहो रस शार्दुल रस है, फिर बृहद जीरकादि रस है, बट्ट श्रृंगादि रस है, और यदि आपको इससे औषधि से भी मतलब ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, भेषज रत्नावली में 2 औषधि ऐसे 3 औषधि ऐसे बताए हैं, नहीं ते हाँ 3 औषधि भेषज रत्नावली में बताए हैं, और एक मतलब स्त्री प्रसूति तंत्र करके एक संस्कृत ग्रंथ है उसमें 2 औषधि ऐसे बताए हैं, तो वो दोनों औषधि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम औषधि है जिसका नाम है रत्न प्रभा वटी, ये रत्न प्रभा वटी जब हम स्त्री लोगों को देते हैं तो उनके जब मतलब हम विभिन्न प्रकार के औषधियां दे दिए परंतु कोई भी औषधि उनको काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाना ये चाहिए कि उनको अपानवय विकृत है जिसके कारण ठीक नहीं हो रहा है, तो अपानवय को स्त्रियों के लिए ठीक करना है तो ये 4 औषधि 5 औषधि ऐसे हैं, सबसे पहला रत्न प्रभा वटी, और दूसरा है रत्न भागवतर वटी, और तीसरा है उनको ये चतुर्भुज रस, और चौथा है गर्भाशय शोधन बटी, और पांचवा है कि गर्भाशय शोधन रस, ये 5 प्रकार के औषधियां है और ये पांचों के पांच है उसमें स्वर्ण स्वर्ण भस्म युक्त औषधियां है, तो यदि आपने इसका प्रयोग कराया तो आपको निश्चित रूप से केवल सफलता ही सफलता मिलेगी, और आप केवल यश कीर्ति प्रतिष्ठा और धर्म धर्म इस सब आपके मतलब कदम में मतलब चरणों में होगा, तो ये और आप लोग मतलब इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब उसका परिणाम प्रयोग में लाइए, तो अरे बाप रे अभी तो 9:17 मतलब होने लगे, समय तो काफी हो गया पता ही नहीं चला, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, कृपया शांति पाठ करके मुझे विदाई करें, आप लोगों का कोई प्रश्न होगा ना मैं कल ले लूंगा, और कल है ना इसका जिसके भी अपानवय विकृत होता है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो एक बस्ती देने के लिए कहा गया आयुर्वेद ग्रंथों में, जिस कौन से तेल से ना उसका तेल का नाम है बृहत अश्वगंधादि तेल, तो बृहत अश्वगंधादि तेल उसके घटक क्या है कितनी मात्रा में लेनी है कैसे बनाना है और किस प्रकार से उसका मतलब प्रयोग का विधि है वो में, और उसका क्या क्या लाभ है और उसमें क्या क्या लाभ है और उसका कैसा विधि है सब उसके विषय में कल चर्चा करेंगे, इसके लिए आप लोग कल जल्दी जुड़ा जाइए मतलब आ जाइए, तो फिर बृहत अश्वगंधादि तेल के विषय में हम कल चर्चा करेंगे, तो अभी शांति पाठ करके मुझे कृपया विदाई दीजिए, सबको वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय का भाव है इसलिए आज शांति पाठ करा के वैद्य जी का विदा देते हैं। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आइए सब मिलके शांति पाठ करें। ओम धौ शांति रंतिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेवा शांति सा
माँ शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सागर नमस्ते। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। बैद जी को हृदय से बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और भगवान धन्वंतरि आप सबको स्वस्थ दे, आरोग्य प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।